हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल सर्च इंजन बेस्ट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में और जानते हैं सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्ट करा लेंगे। और इंटरनेट कनेक्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और जस्ट हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अपने लैपटॉप को उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ब्राउज़र, इसमें इज के नाम से इज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज, इसे ऑन करेंगे। जस्ट सर्च करेंगे facebook.com। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे मिल गया, अदरवाइज हम कुछ रैंडम चीज़ खोलते हैं जैसे वाटर। ठीक है, वाटर रैंडम चीज़ खोलते हैं और आपको मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट, आप देख रहे होंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे विकिपीडिया का दिखा रहा है, जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है वाटर। विकिपीडिया का और भी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ अपना पर्सनल भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका अदर साइटों से सोर्स वगैरह भी निकाल के दे रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों को सोर्स निकाल के हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये विकिपीडिया का रिजल्ट है जिसे यहाँ पे भी साइड में शो कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिखाता है, जिसके अलावा ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वाटर टेम्परेचर अगर होगा, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बिंग का सर्च इंजन। अब हम चलते हैं गूगल के सर्च इंजन पे। ठीक है, टाइप करते हैं google.in। ठीक है, जो कि यहाँ पे होस्टिंग करती है, यहाँ पे इंडिया के लिए होती है। और सेम चीज़ सर्च करते हैं वाटर। ठीक है, आप देखेंगे सेम चीज़ सर्च करते हैं, ये इंटरफेस आपको सेम मिलता है। यहाँ पे आपको बाकी कुछ और नहीं देखने को मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलता है और ये सारी चीज़ें सेम देता है। ये हो गया इसका आउटपुट। अब देखिए, यहाँ पे हम जब भी अपने माउस को स्क्रॉल करते हैं अपर साइड में, तो एक एआई का इंटरफेस आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जो इससे प्रीवियस टाइम में, तो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो वीडियो बनाया था, मोबाइल एप्लीकेशन वाले अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब को ऑन करेंगे और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि यूट्यूब में मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो उससे जब ऑन करेंगे आप, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, और यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये सर्च इंजन। ठीक है, और यहाँ पे आप जाएंगे यूट्यूब अकाउंट में तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, और मैं प्लेलिस्ट आपको बता दूँ, दिखा देता हूँ कहाँ पे वो सारे एप्लीकेशंस रखे हुए हैं। और सॉरी, एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल्स हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल ऐप, तो इसमें वो चीज़ें मैंने वीडियो कवर कर रखा है कैसे आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। अदरवाइज आपको इंस्टॉल करना होगा तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे बिंग सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, वाटर टाइप करके देंगे, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसे चैट जीपीटी पे होता है। ठीक है, वाटर जब ही हम इसे लिख के प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे रिजल्ट ये वाटर का सर्च कर रहा है। ठीक है, वाटर फैक्ट्स अभी हमें देगा, वाटर के फैक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज अ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इन तीनों मटेरियल में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है वाटर हमें मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये मैं समझाना चाहता था कि आप अगर गूगल पे यही चीज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, अदरवाइज आप गूगल में भी बोल के कर सकते हैं वाटर। ठीक है, तो वाटर आपको ऐसे लिख के दे देगा। आप यहाँ भी चाहेंगे तो सेम चीज़ कर सकते हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे भी वॉइस कमांड मिलेगा वाटर वाटर। ठीक है, वाट वाटर हो गया है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया वाटर इज। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा रिजल्ट बोल के भी बता देगा आपको, यही चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप इसमें और भी चीज़ें अगर नोटिस करें तो
तो आपको इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसा देखेंगे कि आपको यहाँ पे बैक में बॉटम में एक सर्च इंजन मिलेगा, सर्च बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे इमेज से सर्च कर सकते हैं, कोई इमेज प्रोवाइड कर देंगे, यूआरएल दे देंगे, वो उसे सोच मतलब करके चेक कर देगा, ठीक है। जैसे ये कॉफ़ी की, सारी की सारी कॉफ़ी की जो भी आइकन्स हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जब भी सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, वॉइस कमांड मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में बताएगा, जो भी आपको नए न्यूज़ आती हैं वो सारी चीज़ें बताएगा। यहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जितने आप सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे नीचे बॉटम में तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने को मिलेगा, कितने पेज में रिजल्ट आ रहा है वो चीज़ें। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो गूगल में आपको क्या क्या मिलेगा, गूगल में यहाँ से नीचे अगर जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स मिलेंगी, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी एड्रेस वगैरह भी ये बता देगा, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे गूगल के सर्च इंजन के लिए, तो देखेंगे तो यहाँ पे AI इसका नहीं है, ठीक है। अब गूगल AI डेवलप कर रहा है, गूगल AI ठीक है डेवलप कर रहा है, गूगल AI अभी डेवलप कर रहा है लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी अंडर प्रोसेस है, आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, अभी सिंपल चीज़ों में है, ठीक है। तो अभी ये आप यूज नहीं कर पाएंगे बस, लेकिन अभी ये बिल्ड कर चुका है काफ़ी चीज़ों को, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे और भी इसके चीज़ें हैं, जैसे वाटर हमने यहाँ पे सर्च किया था तो हमें ये रिस्पॉन्स दे रखा था। अब हम यहाँ पे जब गूगल को देखते हैं तो यहाँ इसके अलावा गूगल का भी ओपन सोर्स में नहीं आया है और माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स में आ चुका है। हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे ChatGPT से, ठीक है। ChatGPT करेंगे, ChatGPT OpenAI /Chat, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, वेरीफाई होगा और इसके बाद हमें यहाँ पे इसमें लॉगिन करना है। अब हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेशन इज एक्सपायर्ड लॉगिन नाउ, फिर से लॉगिन करेंगे और जस्ट लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और ये इसे डायरेक्ट लॉगिन कर देगा और हमें सिक्योरिटी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद हमें ये चैट करने के लिए दे देगा, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर करेंगे और जैसे ही देखिए ये बता रहा है सारी चीज़ों को, सेम थिंग लगभग ये भी कर रहा है, ठीक है। इतना सारा इसने क्या किया है, वाटर का ये सारी चीज़ें देख रहा है। सेम रिजल्ट हम अगर इसको करते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को करते हैं सेम रिजल्ट के लिए हायर करते हैं तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट इतना मिला हुआ है, पर ChatGPT में रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रिंट कर दे रखा था, इतना सारा चीज़ें, ठीक है, यहाँ से इतना सारी चीज़ों को प्रिंट कर रखा था। तो क्या होता है कि हम जब भी ChatGPT यूज़ करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला यूज़ करते हैं तो हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा अभी कंटेंट को कम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में, हर एक कंडीशन में कम प्रोवाइड कर रहा है, कई कंडीशन में ये ज़्यादा भी प्रोवाइड कर देता है कंटेंट को, और ChatGPT भी कई कंडीशन में ये होता है कि कम प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसा नहीं है। पर इसका जो है कि जो ChatGPT है ये स्पेशल इसी चीज़ों के लिए बना हुआ है, ठीक है, और बाकी जो ChatGPT में और भी फीचर हैं तो इसे इसी पर्पज़ से बनाएगा, पर बिंग जो है क्या एक स्मार्ट AI है और साथ में सर्च इंजन भी है, तो इसने काफ़ी चीज़ें डेवलप की चुकी हैं और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट भी सही करेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर से देखें, और आपको अगर किसी टाइप को प्रॉब्लम आ रही है ChatGPT में तो मुझे ज़रूर एक बार कॉन्टेक्ट करें, मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर पसंद आए तो, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना ना भूलें।